हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वकार यूनुस और बैठ चुका हूँ मैं ट्रेन में। ट्रेन अभी खुली नहीं है, खुल गई तो आप देख सकते हो ट्रेन खुल गई। अभी मैं बना ही रहा था, 10:40 का टाइम था, करेक्ट टाइम पे ट्रेन चल चुकी है, आप देख सकते हो। तो यार ट्रेन तो अपने करेक्ट टाइम पे चल चुकी है, अब आपको दिखाएंगे। वैसे मुझे इंट्रो लेने का टाइम नहीं मिला क्योंकि यार सामान ज़्यादा था और एनर्जी ख़त्म हो गई थी सामान उठाते उठाते। फाइनली ट्रेन में बैठ चुके हैं और ट्रेन चल भी चुकी है। तो अभी तो नई दिल्ली में है, आपको दिखाते हैं अब व्यू नई दिल्ली का। वो देखो मम्मी पापा सीरियल देख रहे हैं फोन में। एक लीड लगा रखा है मम्मी ने, एक लगा रखा है पापा ने और सीरियल देख रहे हैं। बताओ तो भाई, इसने फोन ले लिया है, ये आप देख सकते हो, बड़ा खुश है लौंडा। तो टीटी वाले भैया आ गए हैं, टिकट चेक हो चुका है। The next day. तो दोस्तों रात भर में कुछ अच्छा व्यू आंखों से निकल गया और सुबह सिर्फ खेत खेत देखने को मिल रहा है, वही आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों पहुंच गए इलाहाबाद, आप देख सकते हो यहाँ का व्यू। तो दोस्तों आपके सामने है गंगा नदी और बड़ी खूबसूरत है यार। आप देख सकते हो लोकेशन, और वहाँ पर जो आप देख रहे हो ना वो बैम्बू का पेड़ है, वो देख रहे हो। अब ट्रेन चलने लगी धीरे धीरे। तो ये सामने आप देख सकते हो सामान, ये आमने सामने की दोनों सीटें हमारी थी, तीन छः सीटें थी हमारी। 7 hours later. तो दोस्तों ट्रेन से उतर कर आखिरकार हम अब पहुँच गए अपनी डेस्टिनेशन तक। और यार यहाँ का मौसम बारिश वाला हो रहा है, झक्कास बारिश वाला, आप देख सकते हो मेरे पीछे। मैं दिन में दिखाऊंगा आपको क्योंकि अभी तो रात हो रही है तो आपको कुछ खास देखने को मिलेगा नहीं। बाकी आप मेरे बाल देख सकते हो कैसे हो गए हैं, और दिखाऊंगा मैं आपको कल। तो दोस्तों नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और आज भी बारिश वाला मौसम हो रखा है। तो बालकनी व्यू दिखाते हैं आपको। वहाँ पर पता नहीं तालाब है, शायद तालाब या क्या नाला वाला जो भी कह लो, ज़्यादा गंदा पानी हो रहा है इसी वजह से नाला कह रहा हूँ मैं। नीचे का कुछ इस टाइप का भी हुआ है। दोस्तों नहा लिया है मैंने, और यार बाहर जब भी जाने का सोच रहा हूँ तभी बारिश हो रही है। एक तो समझ नहीं आ रहा बारिश हो इतनी क्यों रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपको दिख रहा हो तो आपको दिख जाएगा कि बारिश हो रही है,
मतलब कैमरे में क्या ही दिखे, ऐसे में आप बाहर तो जा नहीं सकते, क्या ही क्या जाए। वैसे यहाँ से देखने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों मेरे अगल बगल आप टेंट देख सकते हो, तो शादी की तैयारियाँ हो रही है, देख सकते हो एक टेंट यहाँ लगा गया है, एक टेंट वहाँ वहाँ पर, और एक टेंट यहाँ पर लगा गया है। तरीके से आप देख सकते हो टेंट लगाए गए हैं, एक टेंट वहाँ पर भी लगाया गया है, और आप ऊपर प्लास्टिक देख सकते हो वो बारिश से बचाने के लिए लगाया गया है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। तो ये मक्के का पेड़ है, पर मुझे दिख नहीं रहा मक्का एक भी, ये आप देख सकते हो, पर ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे, किसी और का है बाकी, आप देख सकते हो। और ये हमारा भाई घुमा रहा है हमें, देखते हैं अभी क्या क्या दिखाते हैं हमें। तो दोस्तों मेरे अगल बगल आप खेती खेत देख सकते हो, पर आगे का रास्ता थोड़ा बारिश की वजह से मतलब बहुत ज़्यादा कीचड़ वाला है, वो आगे का आगे रास्ता और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, तो हम सोच रहे हैं वापस चले जाए, देखते हैं। अब जो सही नहीं उनकी पैंट देख लो भाई की, पैंट की क्या हाल हो गई, और मेरे जूते का तो आप पूछो ही मत, सबसे बुरा हाल है इस वक्त, जूते में पानी पानी भर चुका है, हम कीचड़ वाली जगह से आ गए, और अभी देखो अभी क्या कर रहा है ये मेंढक, मुझे बड़ा ज़िद्दी लग रहा है, हिल ही नहीं रहा, हिल जा भाई। तो आज है शादी वाला दिन, और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, अभी मैं सोकर उठा ही हूँ, तो आज जो भी एक्टिविटी होगी मैं आपको दिखाऊंगा। और जैसे कि आप देख सकते हो मैंने चैन पहनी है, चांदी की चैन है, तो दिखाएंगे आज जो भी एक्टिविटी होगी, जितना हो सके आपको दिखाने की कोशिश करूँ। वो देखो ज़्यादा सामान उठा लिया, इसलिए इसकी तबीयत ढीली पड़ गई, तो मसाज करो उसका, मसाज कर दे, देखो मसाज करवा रहा वहाँ पर, और अली मसाज कर दे आकर। तो यहाँ पर काम शुरू हो गया आप देख सकते हो, और यहाँ पर भी काम चालू है। आप सोच रहे होगे कि मैं मास्क नहीं लगा रहा, क्योंकि यहाँ पर मास्क का उतना मैटर नहीं है, यहाँ पर कोई मास्क नहीं लगा रहा, और अगर कोई मास्क लगा है तो उसे सब घूर घूर के देखने लगते हैं। तो ये कुछ आइटम्स है जो भैया ने मंगवाया है, तो ये नीला नीला आसमान, आज मौसम बढ़िया हो रहा है वैसे। तो दोस्तों आप देख सकते हो वहाँ पर खाना बन रहा है, और पीछे के साइड भी बन रहा है, और मौसम आज थोड़ा गर्मी वाला है, ये लड़ियाँ लग रही है इस तरीके से। तो वीडियो यहीं एंड करते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करनी, और आगे का ब्लॉग आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा, फ़िलहाल ये वीडियो इतनी रखते हैं, तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच, लाइक ज़रूर कर देना।